हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। तो भाई बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज यार आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ मैं। जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में वैकेंसीज आ रही है, ठीक है। सो आप लोग यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओ और इस वीडियो को लाइक कर दो और सभी के साथ में इसको शेयर कर दो। दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद द गवर्नमेंट कंपनीज पीएसयूज में, अगर आप अपनी ड्रीम पीएसयूज में अगर अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हो तो भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको के लिए मैं सारी सारी वीडियोज लेके आऊँ गवर्नमेंट और पीएसयू जॉब्स और ट्रेनिंग की, ठीक है, सभी डोमेन में। सो देखो आज जो वैकेंसीज आई है ये मेरे को इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑलरेडी हो चुका हूँ, ठीक है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पे मैंने कब अप्लाई किया था और मैं कैसे सेलेक्ट हुआ था। सो देखो फ्रेंड, जो कंपनी है आपकी एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ये एक नवरत्न कैटेगरी पीएसयू है। टोटल जो पीएसयू होती है उसकी चार कैटेगरी होती है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। मिनी रत्न में दो कैटेगरी होती है, कैटेगरी वन कैटेगरी टू। तो जो टॉप की कैटेगरी होती है वो होती है महारत्न, उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है आपकी नवरत्न कैटेगरी, एंड थर्ड आती है मिनी रत्न। तो नवरत्न कैटेगरी यार इतनी बड़ी पीएसयू में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। आपको एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग काम करना होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फाइनेंस, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग वैकेंसी है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वैकेंसी है, जिसमें सीएमए इंटरमीडिएट और आपके सीए इंटरमीडिएट जिसने क्वालिफाई किया हुआ है दोनों में से कोई सा भी एक, वो इसके लिए एलिजिबल है। सो मैं आपको वैकेंसी बता रहा हूँ फ्रेंड्स। इसकी जो एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसमें टोटल जो वैकेंसीज आई काफी सारी वैकेंसीज आई फ्रेंड्स, 56 वैकेंसीज आई है। 17 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है नेवली यूनिट्स में, कॉर्पोरेट ऑफिस में 10 वैकेंसीज है फ्रेंड्स। बृसनगर, ये आपका ये इस लोकेशन के 3 वैकेंसीज है। एनटीपीएल, इस वाली वैकेंसी, इसमें 6 वैकेंसीज है टोटल। आप लोकेशन वाइज चेक कर सकते हो, लेकिन जो फ्रेंड्स मेरा सिलेक्शन हुआ था वो आता आपका एनयूपीपीएल कानपुर, मतलब निवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, कानपुर में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, आपको मेरा ऑफर लेटर भी दिखाने वाला हूँ इसमें, ठीक है। तो टोटल 56 वैकेंसीज है, आप इसको अप्लाई करो यार। सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे वो बात की बात है यार, लेकिन आप एटलीस्ट अप्लाई कर दो, ठीक है। देखो इसमें जो स्टाइपेंड रहने वाला है वो रहने वाला है आपका, आपको एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फाइनेंस आपको पोस्ट मिलेगी, और आपको 12 महीने के लिए यहाँ पे जो है ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। स्टाइपेंड जो आपको है इतना अट्रैक्टिव स्टाइपेंड मिलने वाला है आपको 22,000। यस, मेरे भी 22,000 स्टाइपेंड पे आपका मेरा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया। और ज्वाइन नहीं किया था वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी अपर एज लिमिट रहेगी वो आपकी रहेगी, मतलब अपर एज लिमिट भी बता देते हैं आपको। अपर एज लिमिट जो रहने वाली आपकी 28 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो। अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से आते हो तो आप 31 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते। 33 ईयर्स की एज के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग द कैटेगरी ऑफ एससी एसटी इफ यू कम फ्रॉम एससी एसटी कैटेगरी, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊं, जो आपकी ये डेट चेक की जाएगी ना, 28 ईयर्स और 31 ईयर, 33 ईयर्स, ये चेक किया जाएगा एज ऑन 1 सितंबर 2024 को चेक किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 सितंबर 2024 इज दी अपर एज लिमिट, ठीक है। मतलब अपर एज एक आपका डेट है, ठीक है, रेलिवेंट डेट, क्रूशियल डेट, आपकी एज रिलैक्सेशन के लिए या फिर आपको और अदर रिजर्वेशन चाहिए मार्क्स वगैरह में, तो आपकी 1 सितंबर 2024 आपकी एज रहने वाली है, मतलब डेट ऑफ डेट रहने वाली है क्रूशियल, ठीक है। कौन कौन एलिजिबल है फ्रेंड्स? जिसने सीएमए इंटरमीडिएट बोथ द ग्रुप्स पास किए हुए हैं या फिर जिसने सीए इंटरमीडिएट बोथ द ग्रुप्स पास किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स कौन कौन से अटेम्प्ट्स के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है? तो देखो इन्होंने बोला कि जिन्होंने 2022 और 2023 में इंटरमीडिएट अपना क्वालिफाई किया है, सीए इंटर, सीएमए इंटर, एंड दे आर फ्रेशर्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको बता दूं, अटेम्प्ट वाइज जिन्होंने अपना सीएमए इंटरमीडिएट बोथ द ग्रुप्स या रिमेनिंग ग्रुप्स जिन्होंने जून 2022 में क्वालिफाई किया है, ठीक है, या फिर उन्होंने दिसंबर 22 में क्वालिफाई किया है, जून 23 में उन्होंने क्वालिफाई किया है, या फिर उन्होंने दिसंबर 2023 में क्वालिफाई किया है, तो आप इन दोनों सालों में जितने 4 अटेम्प्ट हुए हैं उन सभी में आप उन सभी कैंडिडेट जो है एलिजिबल हो जाते हैं फ्रेंड्स। ऐसे यहाँ पे मई 22 सीए आपने क्वालिफाई किया है इंटरमीडिएट लेवल, या फिर आपने नवंबर 2022 में क्वालिफाई किया है सीए इंटर, या मई 2023 में क्वालिफाई किया है, या नवंबर 2023 में आपने सीए इंटर क्वालिफाई किया है, तो फ्रेंड्स आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। जिसने जून 2024 में अपना क्वालिफाई किया है सीए में इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, और आपका सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया है मई 2024 में, वो इंटरमीडिएट स्टूडेंट ऑफ सीए सीएम में इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे जिन्होंने 2024 के मई और जून में क्वालिफाई किया है। फ्रेंड्स आपको अपर लिमिट मिल जाएगी, आपको 10 ईयर्स तक के लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से आते हो। फिजिकली ये होता है इनका, ठीक है, अगर आप फिजिकली डिसेबल वाले हो, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाले जो होते हैं, तो आप इसमें चेक कर लेना। बाकी अपर एज लिमिट मैंने बता ही दी आपको एस सी एस टी के लिए जो कैंडिडेट, और इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है फ्रेंड्स कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो भाई आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, और जैसे जितने आपने मार्क्स स्कोर किए हैं आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में, ठीक है, चाहे अगर आप सीए से अप्लाई कर रहे हो सीए इंटर में जितना आपने मार्क्स स्कोर किया है दोनों ग्रुप्स में, और अपना सीए में इंटर में जितना आपने दोनों ग्रुप में स्कोर किया है उस बेसिस पे, स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स। ना ही आपको इंटरव्यू देना, ना ही आपको टेस्ट देना है, कुछ भी नहीं करना,
आपका जो सिलेक्शन होगा, आपने जितना मार्क्स स्कोर किया है इंटरमीडिएट में, अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपको अप्लाई कैसे करना है। तो भाई आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ऑफलाइन यहाँ पे एप्लीकेशन आपको नहीं दिया गया है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे अप्लाई करना होगा फ्रेंड्स। क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी पड़ेगी आपको? आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, कलर कलरफुल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जो कि आपने 1 जून 2024 के बाद आपने जो है क्लिक करवाई है, आपका फोटो से फोटोशूट जो आपने करवाई है, ठीक है, फोटोशॉप वाले से। आपको स्कैंड इमेज इमेज आपको अपलोड करनी पड़ेगी अपने सिग्नेचर की, ठीक है, जो जो कि आपने या तो ब्लू पेन से लिया है या फिर आपने ब्लैक पेन से किया है, ठीक है, प्लेन पेज, प्लेन ए4 साइज पे आप करना, व्हाइट पेज पे। आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो, या फिर आप अपनी मेट्रिकुलेशन 10th क्लास की मार्कशीट आप लगा सकते हो। दूसरी चीज़ ये, आपको आपके आधार कार्ड की कॉपी भी लगानी पड़ेगी। उसके बाद में आपको आपका हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, यहाँ पे ये हायर सेकेंडरी आपका जो होता है वो 10th क्लास होता है, आप वो लगा सकते हो, बिकॉज सीनियर सेकेंडरी आपका 12th क्लास होता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको वो लगाया कि प्रूफ ऑफ पोजेसिंग नोटिफाइड क्वालिफिकेशन, मतलब सीए इंटरमीडिएट की प्रूफ के लिए या सीएमए इंटरमीडिएट प्रूफ के लिए आपको आपका इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट भी लगाना है। दूसरी चीज़ ये, उसकी मार्कशीट भी लगानी होगी। तो दोनों चीज़ लगानी है, इस चीज़ को ध्यान रखना, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, पहले आपको सर्टिफिकेट लगाना है, उसके बाद में आपको मार्कशीट लगानी है। इस तरीके से आपको पीडीएफ जना क्रिएट करनी पड़ेगी कि पहले फर्स्ट पेज पे सर्टिफिकेट हो और उसके बाद आपका वो हो मार्कशीट हो, इस तरीके से। बाकी अगर आप SC ST OBC या आपका EWS कैटेगरी से आते हो तो आपको वो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आप PWBD कैंडिडेट हो तो आपको PWBD डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊं, जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या आपके आपका एक्सपीरियंस के, वो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जो लगाने होंगे वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके इस चीज़ों को आप ध्यान से देख लेना, और मैं आपको फटाफट से बताऊँ फ्रेंड्स ये कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं, किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और कितना साइज अलाउड है, ठीक है। और ये ट्रेनिंग उसके लिए एलिजिबल है जिसने और कहीं जगह ट्रेनिंग नहीं करी है इस तरह की, मतलब जिसने PSU में ट्रेनिंग कर रखी है ऑलरेडी, वो लोग आपके वो लोग जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बोला हुआ कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगोन एनी सिमिलर ट्रेनिंग एंड एल्सवेयर, ठीक है, बट स्टिल जैसा भी होगा आप लोग इसको अप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपका जो आपको आपको 22,000 के अलावा आपको एक रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी शेयरिंग बेसिस पे आपको दिया जा सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, बट वो अनफर्निश्ड होगा, फर्निश्ड नहीं होगा। आपसे कुछ नॉमिनल रेंट चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। उसके अंदर बोला गया फ्रेंड्स अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपको ऑफर लेटर होगा, ऑफर लेटर इशू होगा, ऑफर लेटर जब इशू होगा तो ऑफर लेटर के साथ में आपके जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, एज वेल एज आपको मेडिकल फिटनेस टेस्ट का आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, वो फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ ही आपको जो है ज्वाइनिंग के लिए जाना होगा। बात करें फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा इसके लिए, तो आपको जो अप्लाई करना होगा 20 सितंबर 2024, अभी तो 18 सितंबर 2024 है, 20 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। और आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा वो आपका मतलब आपका ये कह सकते हो आप 5 बजे शाम के 5 बजे क्लोज हो जाएगा 10 अक्टूबर 2024। तो फ्रेंड्स इतनी अच्छी वैकेंसीज है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ मेरी वैकेंसीज की तरफ। तो 2020 में जो वैकेंसी आई थी फ्रेंड्स, एक एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2020, इसमें लास्ट टाइम भी 56 वैकेंसीज आई थी, सेम स्टाइपेंड था। मेरा जो सिलेक्शन हुआ था फ्रेंड्स NUPPL कानपुर में हुआ था। मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ, ये मैंने फॉर्म भरा था, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, ये मैंने फॉर्म भरा था 2020 में, इंडस्ट्रियल फाइनेंस ट्रेनिंग एप्लीकेशन। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं ये मेरा ऑफर लेटर है, ठीक है। तो 6 जनवरी 2021 को मेरा ऑफर लेटर बना था और मुझे अभी भी याद है क्योंकि मेरी SC कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, देखो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, यू आर हेयर बाय परमिटेड टू अंडर गो ट्रेनिंग नेवली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड एट घटमपुर कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो मेरे को 22,000 स्टाइपेंड मिल रहा था, बट आई डिड नॉट ज्वाइन, ठीक है। तो यही था, मैं आपको दिखाया तो मेरा नाम इसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये दो दिख गया, ठीक है, मेरे फादर नेम है, ठीक है, तो ये आपको मेरा नाम दिख जाएगा। तो जस्ट दैट्स इट, मैं इसमें ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुका हूँ और आप भी सिलेक्शन ले लो भाई। तो मैंने बताऊँ मैं आपको, मैंने 2020 में अप्लाई किया था मार्च 2020 के आसपास, और मेरा इंटरव्यू और मेरा जो सिलेक्शन हुआ था फ्रेंड्स वो मेरा 8 जनवरी, मतलब मेरा बर्थडे जिस दिन आता है उस दिन मुझे ये ऑफर लेटर आया था। तो दिस इज मेरे लिए हमेशा मेमोरेबल डे रहता है, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई करो, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने मार्च 2020 में अप्लाई किया था और मुझे 8 जनवरी 2021 मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे मेल आया था कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, यू कैन कम फॉर द ज्वाइनिंग। दैट्स इट फॉर दिस वैकेंसी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ ताकि आपको सभी गवर्नमेंट ऑफ पीसी जॉब्स की अपडेट मिल जाए।